आप लोग का है हमारा आर्डिनो से रिलेटेड वीडियो। सो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज हम एक नॉर्मल से ट्रैफिक लाइट बनाएंगे आर्डिनो से, जो कि जैसे हमारा नॉर्मल ट्रैफिक लाइट रहते हैं ना ट्रैफिक सिग्नल पे, उसी तरह से हमारा ये वर्क करेगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ, एक वेबसाइट है tinkercad.com, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्डिनो का अभी तो वैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो हो सकता है आपके एरिया में अभी दुकान बंद हो, तो इसीलिए मैं अभी इस वेबसाइट से लेकर बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे एरिया में भी लॉकडाउन है, तो इसीलिए मैं अभी परचेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इस वेबसाइट पर बता रहा हूँ। आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं अगर आपके पास आर्डिनो नहीं है, या फिर आप इसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी मेकिंग पे चलते हैं। तो tinkercad.com खोलते से आपको ऐसा तो नहीं दिखेगा, आपको कुछ होम पेज मिलेगा, उस पर आपको सर्किट्स पे जाके आपको क्रिएट न्यू सर्किट पे जाना है, और आपको कुछ ऐसा सा मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स में आपको लिखना है आर्डिनो, ट्रैफिक लाइट में 3 LED होते हैं। तो आप यहाँ पर ब्रेडबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो अब क्या करना है, आपको एक रेजिस्टर लेना है, यहाँ पर रेजिस्टर टाइप करना है, यहाँ पर ऑलरेडी है। और जब आप इसे यहाँ पर लाएंगे रेजिस्टर पे क्लिक करके, आपको यहाँ से उसका वैल्यू 1 kilo ohm रखना है, ठीक है। या फिर अगर आप ब्रेडबोर्ड पे बना रहे तो फिर आपको ये रेजिस्टर यूज करना है, अगर आप नहीं बना रहे तो फिर नहीं लेना आपको। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल सर्किट है, और कोड भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो हमारा 3 LEDs है उसका ग्राउंड हमको कॉमन कर देना। तो ये देखिए ये हमारा जो कैथोड है, कैथोड हमारा नेगेटिव होता है, और ये जो हमारा एनोड है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं हमारा जो LED है, यहाँ पर हमारा जो ग्राउंड का पिन है, हमारे आर्डिनो पे जो ग्राउंड वाला पिन है, यहाँ पर हमें हमारे LED का कैथोड जोड़ देना है। तो ये देखिए, अब अगर आप इस तरीके से नॉर्मल से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसको, आप थोड़ा सा क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना, तो फिर आपका वायर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कलर कोड का ध्यान रखते हुए करूँगा, ताकि आपको इजीली हो समझने में। तो ये देखिए मैं इसका ये लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने इसका ग्राउंड लगा दिया। यहाँ से आप इस वायर का कलर चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ये देखिए मेरे पास अभी 3 LED, और आप LED का अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, मैं अभी कर रहा हूँ कलर चेंज। तो पहला वाला मैं रेडी रहने दूंगा, दूसरे वाले को मैं येलो कर देता हूँ, और तीसरे वाले को ग्रीन कर देता हूँ। तो अब क्या करना है, आपको इसका भी लेना है कैथोड लेके, इसको भी आपको आर्डिनो के ग्राउंड पर जोड़ देना है, इसका भी कैथोड लेके ग्राउंड पर जोड़ देना है। तो मैं क्योंकि कलर को क्या ध्यान रख रहा हूँ, इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपका ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा एनोड है सारे का, इसको हमारे आर्डिनो के डिजिटल पिंस पे लगा देना है। ऐसा नहीं है कि आपको डिजिटल पिंस जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, हाँ, बट अगर आप अपने हिसाब से डिजिटल पिंस को लगाएंगे तो फिर कोड में आपको कुछ चेंजेस करने होंगे, वो भी मैं बता दूंगा आगे। तो ये देखिए मैं हमारा जो पहला LED है रेड वाला, उसका एनोड मैं हमारे डिजिटल पिन नंबर 13 पे लगा रहा हूँ। ये जो ये वाला लाइन है आप देख सकते हैं, ये वाला लाइन हमारा डिजिटल पिंस का लाइन होता है। और तो मैं सारे का कनेक्ट कर देता हूँ, सेकंड वाले का मैं डिजिटल पिन नंबर 12 पे लगा रहा हूँ, और थर्ड वाले का मैं डिजिटल पिन नंबर 11 पे लगा रहा हूँ। तो मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, इसे मैं पॉजिटिव रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 volt आएगा। मैं इसका कलर रेड रख रहा हूँ। तो अब जो है हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कोड का ऑप्शन मिलेगा आपको, मेरा जो कर्सर है यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो कोड का ऑप्शन है इसे क्लिक करना है,
आपको ऐसा ब्लॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ये जो ड्रॉप डाउन मिल रहा है आपको इस पे एरो पे क्लिक करके आपको टेक्स्ट पे जाना है। कंटिन्यू, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे कोड का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैंने उसे कॉपी करके रखा हुआ था मेरे कोड को, तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और अगर आपको कोई भी कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई सा भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये देखिए, मैं आपको कोड थोड़ा समझा भी देता हूँ। तो ये जो हमारा void सेटअप होता है, void सेटअप एक फंक्शन होता है। और ये जो मैंने पिन मोड लिखा है, पिन मोड मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आपको पिन सेलेक्ट करना है तो आपको चेंजेस करने होंगे, तो कुछ ये जो चेंजेस करने वो मैं अभी बता रहा हूँ। ये जो पिन मोड है ये हमारे पिन को डिफाइन करता है, कौन सा पिन नंबर है और ये पिन आउटपुट पे जा रहा है कि इनपुट पे जा रहा है। तो ये देखिए, ये जो हमारा पिन मोड है, पिन मोड इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। सिंटेक्स उसे कहते हैं किसी चीज़ का टाइप, जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ, ये देखिए जैसे हमारा जो void loop है इसका अगर आपको एग्जांपल दिखाएंगे तो फिर तो वो कुछ और लिखेगा, बट इसका सिंटेक्स होता है कि, तो ये जो हमारा पिन मोड है, पिन मोड का जो 13 नंबर पिन है, ये देखिए ये वाला है हमारा D13। तो ये जो हमारा पिन मोड यानी कि डिफाइन करता है कौन सा पिन का मोड है। तो 13 हमारा आउटपुट है, क्योंकि जो LED है ये हमारा आउटपुट है, तो इसीलिए पिन नंबर 13 आउटपुट। इसी तरह से मैंने 12 और 11 पे डाला है, क्योंकि मैंने इधर डिजिटल पिन नंबर 13, 12 और 11 का इस्तेमाल किया। अगर आप इसे चेंज करते हैं तो फिर आपको क्या करना है, अगर एग्जांपल मान लेते हैं आपने डिजिटल पिन 13 की जगह 8 पे कनेक्ट कर दिया, डिजिटल पिन 18, तो आपको क्या करना है, 13 की जगह यहाँ पर 8 लिखना है और आउटपुट सेम रखना है। तो आई होप आपको void सेटअप समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, void loop पे। तो आप देख सकते हैं void loop, उसे void सेटअप वो फंक्शन होता है जो सिर्फ एक ही बार होता है, वो एग्जीक्यूट करता है, बार बार नहीं करता। और void loop में वो लिखते हैं जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दिया डिजिटल राइट 13 हाई। या अब डिजिटल राइट यानी कि हम ये जो हमारे डिजिटल राइट भी एक फंक्शन है, जिसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें हमारे आर्डिनो के डिजिटल पिंस पे कोई कमांड भेजना हो। और यहाँ पर आप जो हाई है, इधर हाई है और इधर लो देख रहे हैं, हाई यानी कि उधर 5 वोल्ट जाएगा और लो यानी कि 0 वोल्ट जाएगा। तो डिजिटल राइट पिन नंबर 13 हमारा पिन नंबर है, डिजिटल राइट 13 हाई। अगर आप यहाँ पर पिन मोड में हमने जो अगर आपने पिन चेंज किया है, अगर आपने थर्ड वाले LED का जो ये वाला जो हमारा एनोड का ले गया है उसे आपने पिन नंबर 8 पे कनेक्ट किया है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है पिन मोड 8 कॉमा आउटपुट। और अगर यहाँ पर आपको लेटर्स का खास करके ध्यान रखना है, अगर आप कोड को खुद से टाइप कर रहे हैं तो फिर आपको इसका ध्यान रखना होगा कि लेटर्स आपके कैपिटल में होने चाहिए, स्मॉल में नहीं होने चाहिए। ये जो आउटपुट हाई और लो ये आपका स्मॉल में नहीं होना चाहिए और बाकी सब स्मॉल में है। तो अगर आपने इधर चेंज किया है अपना जो पिन नंबर है, पिन मोड एग्जांपल से 8 ले रहा हूँ मैं, तो पिन मोड 8 कॉमा आउटपुट सेमीकोलन, और हर एक फंक्शन के बाद आपको सेमीकोलन डालना जरूरी है। अब अगर आपने यहाँ पर चेंज किया पिन मोड में, तो फिर आपको डिजिटल राइट भी चेंज करना होगा, डिजिटल राइट 8 हाई। फिर डीले हम तब यूज करते हैं जब हमें, डीले का मतलब आपको पता ही होगा, कोई चेंजेस नहीं है। और ये जो मैंने 1000 लिखा है ये मिली सेकेंड्स, हमारा आर्डिनो सेकेंड्स नहीं समझता है, वो मिली सेकेंड समझता है, तो इसलिए मैंने 1000 पे लिखा है। और मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक के देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और कोई डाउट्स ना बचेंगे। तो ये देखिए, मैंने मिली सेकेंड्स, आपको पता होगा कि 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड्स, तो मुझे इधर 1 सेकेंड का डिले देना है, तो फिर मैंने इधर 1000 मिली सेकेंड्स लिखा है। तो सेम करके अब हमें LED को ब्लिंक करना है, तो फिर से मैंने लिखा डिजिटल राइट 13 लो यानी कि अब 0 वोल्ट जाएगा उसमें, हमारा यानी कि हमारा LED ऑफ हो जाएगा। वापस से डिले 1000 1 सेकेंड के लिए, फिर
डिजिटल राइट 12 हाई, यानी कि हमारा ये जो एलईडी हमारे डिजिटल पिन नंबर 12 से कनेक्टेड है वो उसके साथ भी सेम होगा जो कि हमारे 13 से कनेक्टेड हुआ। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसीलिए मैं कोडिंग को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। आउटपुट देखने के लिए आपको यहाँ पर जो स्टार्ट सिमुलेशन का ऑप्शन है इसे आपको क्लिक करना है। ये इनिशियलाइज होगा, ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा जो एलईडी है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको रियल ट्रैफिक लाइट बनाना है तो फिर आप यहाँ पर 1000 की जगह 60 सेकेंड्स या फिर कुछ भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये जो है बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है और शायद आपको ये रेड कलर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इन सबको व्हाइट करके रख देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखेगा। सब एलईडी का कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ, देख सकते हो आप बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस प्लीज आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर वेबसाइट पर रन करके दिखा रहा हूँ, वरना जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आगे की वीडियो में तब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ये तो हमने अभी एक वेबसाइट के थ्रू किया है क्योंकि अभी हम सबको पता है कि भारत में अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसीलिए मेरे यहाँ बंद है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं आपको प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। जय हिंद जय भारत।